हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, सिप्री के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन है जापान, सऊदी अरब, भारत, रूस। सही जवाब ऑप्शन सी, भारत यानी कि इंडिया। सिप्री ने अपने रिपोर्ट में 2014 से 2018 के बीच बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्री बन गया है। और वहीं अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो उसके बारे में उसने बताया कि ये सऊदी अरब ने भारत को डिस्प्लेस कर दिया, जिस तरह से उसने स्ट्रेटजिकली और बहुत ही एक हैवी अप्रोच के साथ उसने आर्म्स को प्रोक्योर करना शुरू किया, और जिसके कारण भारत नंबर वन से नंबर टू पे आ गया है। अगर टोटल पूरा जितना भी आर्म्स की ट्रेड होती है उसमें सिर्फ 9.5% अकेला सिर्फ भारत करता है, और उस 9.5 में 58% वो रूस से करता है, जो कि वो जो पहले 2009 और 13 के बीच जो 76% था वो घट के अभी 58% हो गया। लेकिन सिप्री का मानना है, या यूं कहें कि अगर आप खुद आर्म्स का एक एक्सपर्ट हैं तो अगर आप आने वाले दिनों में इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरह से एग्रेसिवली भारत ने रशिया के साथ आर्म्स डील किए हैं, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें AK-2003 असॉल्ट राइफलें जो इंडिया में बन रही हैं, उसमें परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें अगर भारत आने वाले दिनों में खरीद रहा है तो डेफिनेटली 58% से ऊपर तो जाएगा ही। लेकिन अगर यहाँ पे रूस कम हुआ है तो बढ़ा कौन है 2014-18 में? रूस के बाद वहाँ पे इसराइल है, अमेरिका है, फ्रांस है, जहाँ से भारत ने अपने आर्म्स को बढ़ाया है, खरीदने से बढ़ाया है। तो ये सारे रिपोर्ट अभी सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जो कहाँ पे है ये, एक्चुअली ये बैठा कहाँ पे है, इसका जो हेड ऑफिस है वो है स्वीडन में, हेड क्वार्टर इसका है सोलना स्वीडन में। इसका जो फाउंडेशन, यानी अगर इसको बोलें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 मई को 1966 में। क्या काम करता है ये दुनिया भर में? ये वो उस तरह का रिसर्च करता है जिसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट हो आर्मामेंट के बारे में, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इस सब के बारे में वो पूरी एक रिपोर्ट बनाती है, और उसके ऊपर वो अपना रिकमेंडेशन देके एक पेपर पब्लिश करती है, जिसके बारे में फिर वो बताती है कि कौन सा देश कितना आर्म्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। वहीं ये सारी थी तो भारत के बारे में। अगर थोड़ी सी हम अपने पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो जहाँ भारत दूसरे नंबर पे है, वहीं पाकिस्तान 11वें नंबर पे है। अगर इस इमेज से, इस फोटो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि सऊदी अरब टोटल आर्म्स ट्रेड का 12% करता है, इसीलिए ये फर्स्ट स्लॉट पे है। इंडिया 9.5% के साथ सेकेंड पे है, इजिप्ट तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, अल्जीरिया पाँचवें पे, चाइना छठे पे, UAE 7वें पे, इराक 8वें पे, वहीं साउथ कोरिया 9, वियतनाम 10, उसके बाद बाकी के जो इसके बाद जो होंगे वो पाकिस्तान होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, आप इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि किस कंट्री, किस रीजन में आर्म्स को लेने का जो उनका जो एक रवैया है वो कितना ज़्यादा वो इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की 2 अतिरिक्त बेंच आंध्र प्रदेश और किस राज्य में गठित करने की मंजूरी दी? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने 2 NCLT की बेंचों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से, जिसमें बताया कि एक तो आंध्र प्रदेश में होगा और दूसरा मध्य प्रदेश में होगा। ये NCLT क्या है? ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या काम करती है? ये जो भी, जिस तरह से लोग कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिवाला या दिवालियापन जैसे केस आते हैं, किस एक्ट के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके बारे में हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 के तहत जो भी कंपनी की इसके तहत दिवालिया होती है या कोई भी केस होता है तो वो NCLT में इसको लेके डील किया जाता है। क्योंकि ये NCLT हर स्टेट में तो था ही, लेकिन इसी बीच में 2 अलग बेंच, जैसा कि अभी आंध्र प्रदेश अलग राज्य हुआ तो इसके लिए एक अलग बेंच है, वहीं मध्य प्रदेश में दूसरा एक बेंच वहाँ पे दिया गया है। प्रिंसिपल बेंच जो है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इससे पहले उनसे 3 और जगह बेंच को स्थापित किया था NCLT का, जयपुर, कोच्चि और कटक। ये आपको याद रखना है कि अभी फिलहाल 2 में हुआ, उससे पहले 3 में हुआ था, और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है। क्या काम करता है?
दिवाला दिवालियेपन से निपटने के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध सहायक तंत्र प्रदान करता है ये NCLT। अगला सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? ऑप्शन है जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस अशोक जैन, जस्टिस नागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, जस्टिस आफ्ताब आलम। इनको रिटायर्ड जस्टिस बोलना उचित होगा क्योंकि ये रिटायर्ड हो गए हैं ये आफ्ताब आलम साहब, और इनको जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को जर्नलिस्ट की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बोला कि आप हमें एक मसौदा तैयार करके बताइए ताकि उसके ऊपर बिल बनाया जा सके, और उसकी जो अध्यक्षता है उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो जस्टिस आफ्ताब आलम होंगे। जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के हाल ही में इलेक्शन हुए थे और वहाँ इलेक्शन के बाद वहाँ पे नई सरकार आई थी और भूपेंद्र बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और उन्होंने जिस तरह से पत्रकार को लेके बहुत सारे स्टेट में देखे गए हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, उनके हत्या तक कर दी जाती है, उसके सिलसिले में उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। इससे पहले बता दूं कि महाराष्ट्र ने 2017 में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया था जिसमें पत्रकारों के खिलाफ हिंसा या उनके संपत्ति पर किसी भी तरह के अगर आप चोट करते हैं तो उनके तहत आप दंडित किए जा सकते हैं। अगला सवाल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब ने हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे किए? ऑप्शन है 10, 20, 30, 50। सही जवाब ऑप्शन सी, 30 साल। इन्होंने अभी हाल ही में 3 वर्ष अपने पूरे किए और उसी के सम्मान में गूगल ने अपना जो गूगल डूडल होता है उसमें WWW को बताया था और बताया कि किस तरह इनका एक जर्नी रहा है 30 सालों का। अगर हम भी देखें तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसकी स्टार्ट का भी 1989 का साल था। सर टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने WWW का आविष्कार किया, याद रखिए ये जनरली सवाल में आपके जो वन डे एग्जाम होते हैं GK के तहत ये पूछे जाते हैं, WWW का आविष्कार किसने किया? सर टिम बर्नर्स-ली ने। जब वो स्विट्जरलैंड का जो एक सर्न है जिसके बारे आप लोग और भी इसके बारे में सुने होंगे कि ये गॉड पार्टिकल की रिसर्च में भी अभी ये काम कर रहा है, उस समय वो यहीं पे सर्न में काम कर रहे थे और वहीं पे उन्होंने अपने बॉस को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्रस्ताव करके एक पेपर सौंपा था, वही पेपर बाद में वेब ब्राउजर बन के आया और जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो मोजैक था, नवंबर 1993 में आया था, उसके बाद इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स ने रिप्लेस किया और तब से हम लोग तो इसके ऊपर काम कर ही रहे। तो ये जो एक जर्नी है WWW और इंटरनेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है कि कैसे हम लोग एक सिंपल से एक वेब से जो एक छोटा सा ब्राउजर हुआ करता था उससे आज हम इतने स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच बना चुके हैं। अगला सवाल, किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फार्मोसन क्लॉडेट प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ताइवान, रूस। सही जवाब ऑप्शन सी, ताइवान। ताइवान में हाल ही में जो वहाँ पे एक लुप्त घोषित कर दी गई थी चीते की फार्मोसन क्लॉडेट प्रजाति, उसको अभी देखी गई है। इसके बारे में मानना है कि 13 वर्षों से वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके इनको फिर से खोजना शुरू किया था। वो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की शक थी कि ये जो प्रजाति है वो लुप्त नहीं हुई और अब जाके उन्हें इसमें सफलता मिली है। तो ये एक जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि जहाँ पे प्रजाति लुप्त होते जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ हम देख रहे हैं कि शायद लुप्त प्रजाति वापस एक बार आया है। तो शायद ये ऑफिशियली लुप्त हुआ ही नहीं था, हमें नहीं दिख रहा था, तो वो अब जाके ताइवान में ये चीज देखी गई है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर कितने फीसदी की ब्याज सहायता सब्सिडी के संदर्भ में बैंकों के नियमों को अधिसूचित किया? ऑप्शन है 2, 4, 6, 10। सही जवाब ऑप्शन ए, 2%। आपको पता है बजट में इस बार में बताया गया था कि जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं जिन्होंने स्मॉल लोन लिया है उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, उसी के संदर्भ में ये अब बैंकों को उसके तहत ये एक सबको अधिसूचना दिया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में एक और बातें हैं जो बजट में बताई गई थी कि जो भी जो फार्मर्स उन्होंने अगर टाइम पे अपने सारे इंस्टॉलमेंट दिए हैं तो उन्हें 4% तक का सबवेंशन यानी कि सब्सिडी मिल सकती है। इसी के बारे में RBI ने बैंकों को सारा जो भी दिशा निर्देश था वो जारी किया। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है KN व्यास, SR कृष्णन, NL मूर्ति, AK मोहंती। सही जवाब ऑप्शन डी, AK मोहंती। AK मोहंती ने
अभी जो भाभा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो निदेशक पद है तो वहाँ पे अपना पदभार संभाला, उन्होंने के एन व्यास का स्थान लिया है। मोहंती के बारे में अगर आप जानें तो ये वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता में स्थित है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के, वहाँ के भी ये अभी डायरेक्टर हैं। उन्हें 2 बार सर्न साइंटिफिक एसोसिएट होने का सम्मान दिया गया 2002-2004 के बीच, 2010 और 2011 में। तो ये एक बहुत ही स्टीम्ड साइंटिस्ट हैं और वर्ल्ड लेवल पे इन्हें लोग जानते हैं कि मोहंती को। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने LTTE युद्ध के दौरान युद्ध अपराध के आरोपों की जांच के लिए किस देश को एक हाइब्रिड अदालत स्थापित करने का अनुरोध किया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीलंका। अभी एक इसका एक बैकग्राउंड बता दूं कि हर साल संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका अपने, या हर देश ही बोले कि अपना एक पेपर प्रेजेंट करता है और वो पेपर उसके तहत सारे सिस्टमों को किस तरह से वहाँ का एक बर्ताव रहा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, जो कि यूएन अपने अंदर देखरेख में वो काम कराती है। उसी के तहत जब श्रीलंका का वहाँ पे एक रिपोर्ट पेश किया गया तो फिर संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका से अपील की कि आप जो LTTE जो एक दशक यानी 10 साल से ज़्यादा तक ये लड़ाई चली है, इसमें किस तरह से जान माल की क्षति हुई थी, कि वहाँ पे किस तरह से युद्ध अपराध हुए थे, उनके आरोपियों की जांच के लिए उन्होंने बताया कि आप एक हाइब्रिड अदालत को स्थापित कीजिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के न्यायाधीश होंगे, वकील होंगे, जांचकर्ता होंगे और ये सभी लोगों को बनाकर आप एक हाइब्रिड कोर्ट को वहाँ पे एस्टेब्लिश कीजिए। हालांकि श्रीलंका ने इसके लिए कुछ टाइम मांगा, इसीलिए उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब हम एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन यूएन जो कि अंतर्राष्ट्रीय समूह है उनका श्रीलंका से ये अपील रहा कि आप जो भी अगर वहाँ पे युद्ध अपराध हुए हैं LTTE युद्ध के दौरान तो आप उसकी सुनवाई निश्चित तौर पे करें और जल्द से जल्द करें। दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है और आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अरुण जेटली, डॉक्टर हर्षवर्धन। सही जवाब ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम लॉन्च किया इस बार 10 मार्च को, और इससे क्या होता है कि ये पूरे देश में जहाँ जहाँ पे किस मतलब ये कोई लिमिट नहीं है प्लेस का, ये किसी भी जगह जो है इनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो जाते हैं, 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को ये पल्स पोलियो के टीका लगवाते हैं, उनकी दवा पिलाते हैं। तो ये एक पूरे विश्व भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक कार्यक्रम होता है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ पे एक भी बच्चा छूटे ना ये टारगेट होता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पोलियो का टारगेट हम लोगों ने बहुत पहले ही अचीव कर लिया था कि इसके कोई भी केसेस भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी इसको और थोड़ा सा इसमें सतर्कता बरतते हुए भारत सरकार पल्स पोलियो कार्यक्रम लगातार चलाते आ रही है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण NPPA ने हाल ही में 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दाम में कितने प्रतिशत की कमी की है? ऑप्शन है 44%, 87%, 57%, 23%। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन भी दबाएं और देखते रहें जागरणजोश.com।